साइकिलिंग स्पोर्ट शायद ऐसी है ओलंपिक्स में जिसमें कोई भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन नहीं है। आप एक इवेंट खेल के क्वालिफाई नहीं करते हैं, आपको जो उसका क्वालिफिकेशन का पीरियड है जो 2-2.5 साल का होता है, वो 2-2.5 साल में आपको ये जो इवेंट कराना है ये भी उसका पार्ट है कि अगर आप किसी इवेंट में ओलंपिक में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको उस इवेंट का UCI क्लास 1 इवेंट अपने देश में कराना ही है। उसके अलावा आपकी टीम को उसमें खेलना ही है, उसके अलावा वर्ल्ड कप्स हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हैं, नेशंस कप है और आपके कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स हैं, उसमें आपको जितने पॉइंट्स वो 2-2.5 साल में लेने हैं वो 2-2.5 साल, तो वो 2-2.5 साल का जो पीरियड है उसमें आपको इतना एक्टिव रहना है और इतने पॉइंट्स गैदर करने कि आप पहले तो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करें, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वालिफाई करें और तभी आप ओलंपिक के क्वालिफिकेशन का कंटेंडर बनते हैं। तो वो जो आज साइकिलिंग को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और हमारे साथ ओंकार सिंह जी हैं जिन्होंने भारतीय साइकिल को एक उस मुकाम पे पहुंचाया है जिस मुकाम पे अभी हम नहीं सोच सकते और भी आगे लेके जाने की इनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है। इस वक्त ट्रैक एशिया के लिए क्या प्लानिंग है, क्या कुछ है, स्थिति है, अभी क्या इनकी रूपरेखा रहेगी? सर नमस्कार जी, ये एशियन साइकिलिंग चैम्पियनशिप 21-26 फरवरी में न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी जमुना वेलोड्रम में हो रही है। इस इवेंट की खासियत यह है कि पहली बार एक एशियन चैम्पियनशिप में 20 से ज़्यादा टीमें आई, 550 से ज़्यादा खिलाड़ी आए और ओलंपिक क्वालिफिकेशन का ये एक लास्ट इवेंट है एशियन का, उसको मद्देनज़र देखते हुए इसकी अहमियत इतनी बढ़ गई, हर टीम जो है वो यहाँ पे आके 5 दिन पहले 4 दिन पहले ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। बड़े सौभाग्य है कि ऐसी टीमों को यहाँ देखने को मिल रहा है और हम उन वर्ल्ड की अच्छी टीमों के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ये हमारा एक बहुत अच्छी उपलब्धि। 20 देश की टीमें आ रही हैं और जो लाओस जुड़ा है और लाओस नया जुड़ा है और बांग्लादेश, ये 2 नए जुड़े हैं। ओके, नेबर कंट्री में देखो पाकिस्तान आना था लेकिन वीज़ा मिल गया लेकिन क्लियरेंस मिल गई लेकिन वो उनके चुनाव की वजह से वो नहीं आ पा रहे। नेपाल आ रहा है और श्रीलंका नहीं आया क्योंकि बट एनीवे बांग्लादेश आ रहा है और ये सब कंट्रीज आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है धीरे धीरे इसका फैलाव होता जा रहा है और हम इस लेवल पे जा रहे हैं जहां हिंदुस्तान को लोग देखने लग गए, अब हिंदुस्तान के राइडर्स को पहचानने लगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर हिंदुस्तान में आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान में अब साइकिलिंग का कल्चर बढ़ने लगा है, तो इस वक्त हम बात करें दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में और या दूसरे दो राज्य हैं, सबसे ज़्यादा साइकिलिंग का कल्चर किस स्टेट में है? देखिए टैलेंट अगर अपन देखने जाएं तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट अंडमान्स वो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे हमारे पास स्प्रिंटिंग के बहुत अच्छे लड़के निकलते हैं। आज हमारी अकेडमी चल रही हैं उसमें स्प्रिंटिंग के सारे बच्चे हैं तो अंडमान के हैं या मणिपुर के, एक अभी लड़का कर्नाटक का आया बहुत अच्छा लड़का है वो भी जूनियर से ऊपर आ रहा है। सो अभी धीरे धीरे जो है ये ट्रेंड, क्योंकि हमारी 5 अकेडमी चल रही हैं, 5 अकेडमी सारे हिंदुस्तान से बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उससे क्या हो गया धीरे धीरे हमारा स्टैंडर्ड ऊपर आ गया। पहले हम नेशनल करते थे सिर्फ 2 स्टेट या 3 स्टेट मेडल लेके जाती थी, आज नेशनल चैंपियनशिप में 18 स्टेट्स के मेडल हैं, इतना उसका फैलाव हो गया कि हर स्टेट में अब मेडल आने लग गए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। सर इस बार हमारी तैयारी कैसी है? तैयारी बिल्कुल ठीक है जी, हम फॉरेन कोच आए हैं इनकी देखरेख में, मैं उम्मीद करता हूँ आज तक की सबसे बेहतर परफॉर्मेंस हमारी टीम की। अब मुकाबले में हमारे कौन होगा? हमारे मुकाबले में देखो हम 4 टीमों के फंसे हैं, भगवान ने ठीक चाहा तो कुछ आ भी सकता है लेकिन पहले 4 में तो हम हैं, उसमें है चाइना है, जापान है, मलेशिया है और कोरिया है और हम, मतलब ये 5 ज़्यादा मेडल की उम्मीद किसे? जापान नहीं, अपने किसे उसमें फील्ड में है सबसे ज़्यादा, स्प्रिंट में है या नहीं? हमारी देखो जूनियर बच्चों में है क्योंकि जूनियर बच्चे अच्छे आ रहे हैं क्योंकि हमने नीचे जूनियर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसमें हमें मेडल काफ़ी आने की उम्मीद है। जैसा सर ने बताया कि कुछ साल पहले हम फिनिश करने की सोचते थे लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू फिनिश इफ नॉट इन द पोडियम देन वी आर गोइंग टू फिनिश एट लीस्ट 5th, 5th or 6th पोजीशन एंड इन कमिंग ईयर दिस इज फॉर श्योर कि वी आर गोइंग टू फिनिश एट द पोडियम आल्सो। सो फ्रॉम माय साइड दैट्स इट इन ह्यूस्टन प्लीज। Thank you.